हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा सिंधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा सिंधु। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लास 11th के लिए जो सिलेबस रिवाइज हुआ है कोरोना के कारण, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, और बोर्ड एग्ज़ाम्स और 11th, 9th, 10th और 11th और 12th, ये चार एग्ज़ाम्स, ये चार क्लासेस जो हैं इनके लिए एग्ज़ाम्स कंपलसरी हैं, होंगे। और इसीलिए बोर्ड्स ने, आरबीएसई, सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स ने अपने सिलेबस रिवाइज़ किए हैं। और सीबीएसई ने करीब 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, और आरबीएससी ने अपना करीब 40% सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, जिसके हिसाब से आप अपनी स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं, और किसका कितना वेटेज है, कौन सा यूनिट क्या वेटेज रखता है, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वहाँ माइक्रो प्रोसेसर और डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 1.5 और 1.6 जो है वो दोनों हटा दिए गए हैं, पूरे डिलीट कर दिए गए हैं। तो चैप्टर जो 1 है वो ऑलरेडी हम लोग अपने वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और इन दो टॉपिक्स के अलावा कंप्लीटली हम सारी वीडियोस जो हैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं मैं, तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 की बात हो गई, इसमें दो टॉपिक्स आपके रिड्यूस हो गए। इसके अलावा चैप्टर 2 जो है उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, यानी पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपका डिलीट हो चुका है, यहाँ पे हट चुका है। आरबीएससी के लिए, राजस्थान बोर्ड की बात करूँ मैं, तो राजस्थान बोर्ड के ये सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फ़िलहाल हम राजस्थान बोर्ड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा उसका। तो नंबर सिस्टम्स का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ये पूरा ही हट चुका है। उसके बाद में सेक्शन 3.6 और 3.7, चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें 3.6 और 3.7, ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉक चेन, ये दोनों टॉपिक्स हट चुके हैं। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर है वहाँ पे आपका वेरीफाइंग एल्गोरिदम, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम, कोडिंग, डीकम्पोजिशन, ये मेजरली चार जो टॉपिक्स हैं ये हट चुके हैं। मतलब अब आपका जो चैप्टर था बहुत छोटा सा चैप्टर रह गया है, बहुत कम पोर्शन उसमें रह गया है। उसके बाद में सीधे 11th जो चैप्टर है वहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिज़न एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ये तीन टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है यहाँ पे एक चैप्टर तो पूरा ही हट चुका है, और बाकी जो हैं ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो इम्पैक्ट जो आपका हो रहा है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 11, इन पर आपका इफेक्ट हो रहा है, यानी पाइथन से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो सारे एज इट इज़ हैं, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग का पार्ट है और वो प्रैक्टिकल पार्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हटाया गया है। तो ऑल इन ऑल अब आपका सिलेबस जो है वो इस तरीके से रह गया कि फर्स्ट जो यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनिट में फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम और थर्ड चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये रह गए। इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, इवोल्यूशन, मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, डेटा ट्रांसफ़र, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे फर्स्ट चैप्टर में थे जो हमने डिस्कस भी किए हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो है थर्ड चैप्टर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स का चैप्टर है उसमें आपका आता है। तो बहुत उसमें ये लिमिटेड टॉपिक्स हो गए और अच्छा चैप्टर है ये। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा बहुत जल्दी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी डालूँगा, तो उसमें हम लोग ये कवर करेंगे थर्ड चैप्टर। अब वेटेज जो है ये 10 मार्क्स का है, ये जो पूरा यूनिट है चैप्टर नंबर 1 और 2 ये मिलाकर 10 मार्क्स है। मतलब 1 एज सच हम जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम छोटी क्लासेस से भी आप लोग जो हैं पढ़ रहे होंगे इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वगैरह वगैरह, ये सब आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, तो वो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में था आपके। और उसके बाद में इमर्जिंग ट्रेंड्स जो है वो छोटा सा चैप्टर बचेगा। तो ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स हैं, तो बहुत ईजी हो गया ये 10 मार्क्स स्कोर करना आप लोगों के लिए। उसके बाद में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकेंड यूनिट है आपका, उसमें इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल्स एंड डिक्शनरीज, ये पूरा पाइथन से रिलेटेड पार्ट है। तो ये पूरा चैप्टर 45 मार्क्स का बड़ा यूनिट रहेगा ये आपका, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये यूनिट जो है वो सबसे बड़ा यूनिट आपका रहेगा जो 45 मार्क्स आपको देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है और समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आगे हमेशा के लिए भी आपको ये काम आएगा। इवन ट्वेल्थ में तो है ही है, ट्वेल्थ में ये आपका इसी का एडवांसमेंट आगे ट्वेल्थ में काम आएगा। तो इसलिए ये यूनिट हमको पढ़ना समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में 11 जो चैप्टर है आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ये 15 मार्क्स का रहेगा अकेला 11 चैप्टर। इसमें से भी कुछ 3 टॉपिक्स जो हैं वो करीब हट चुके हैं, तो अब आप समझिए कि इसको 15 मार्क्स ये जो गेन करना काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि नॉर्मल सोशल इम्पैक्ट्स से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसमें जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो डेली हम लोग थ्रेट्स वगैरह फेस करते हैं या क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी के ऊपर, ये सब चीज़ों के लिए ये पूरा चैप्टर है। तो आईपीआर के ऊपर है और साइबर क्राइम, हैकिंग, फिशिंग, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल ये चैप्टर नहीं है, तो ये 15 मार्क्स भी काफ़ी इजी हैं आपके लिए। तो 15 मार्क्स आपके थर्ड यूनिट के और 10 मार्क्स आपको फर्स्ट यूनिट में, इन दोनों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और सेकंड यूनिट जो आपका पाइथन है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है पूरा के पूरा यूनिट और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना सीखना बहुत मज़ेदार होता है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत स्कोरिंग होगा और अच्छा होगा जो सेकंड यूनिट है आपका। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपको कुल मिला के ये एक मौका है अच्छे स्कोर लाने का, अच्छी आप जितनी पढ़ाई नॉर्मली आप कर रहे हैं उसमें नॉर्मल डेज में, नॉर्मल आपके रूटीन में जितना स्कोर हम करते उससे ज़्यादा स्कोर यहाँ पे करने का मौका आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरा कहने का यही मतलब है कि अभी जितना भी हमने देखा है स्कूल्स बंद हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो देखने में ये आता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, इसको आप अब जो है इट इज़ हाई टाइम नाउ, क्योंकि आगे वाले 3-4 महीने जो हैं बहुत क्रूशियल होंगे आपके लिए। और 11th जो क्लास है वो 12th क्लास का बेस होती है, तो यहाँ आप जैसी तैयारी करोगे वैसी आपको प्रिपरेशन आपके 12th के लिए आपको एक बहुत अच्छा बेस दे देगी। तो 12th की प्रिपरेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से और सीरियसली
इसको लीजिए, इस समय को, और यूटिलाइज़ कीजिए, यूज़ कीजिए। प्रैक्टिकल्स की जहाँ तक बात करें, एक क्वेश्चन रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग का जो 20 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल फाइल के लिए 5 मार्क्स और वाइवा के लिए 5 मार्क्स, ये आपका प्रैक्टिकल जो है वो होगा। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसमें बता रखा है कि दो प्रोग्राम जो हैं वो 10 मार्क्स के होंगे, जो आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म करने होंगे, और उसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा होगा। तो टू क्वेश्चंस यानी 10 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का ये जो है आपका यूनिट रहेगा पूरा पाइथन का। तो दो क्वेश्चन होंगे जो दोनों आपको कंप्यूटर पे करने होंगे। तो इस तरीके से आपका ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल, एंड यू विल प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू दिस। और आज से ही अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल आप बनाइए और पूरी मेहनत के साथ लग जाइए अपनी तैयारी में और आगे के लिए। क्योंकि देखिए, हमारा जो मोटो है, पढ़ाई करने का जो मोटो है, जो एक एम रहता है, वो ये नहीं होता कि सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, हमको पास कर दिया जाएगा। तो ऐसा जो भी होता है, देखो, एग्ज़ाम नहीं होंगे ऐसा तो है नहीं, एग्ज़ाम होंगे और आपको एग्ज़ाम क्लियर भी करने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहता हूँ कि चाहे एग्ज़ाम है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है। हमें पढ़ाई क्यों करनी है, हमें पढ़ाई करनी है अपने फ्यूचर के लिए। तो चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो कल आपके 12th क्लास में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और 12th क्लास में अगर आपकी हाफ प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी, तो आप समझिए कि आप अपने 12th क्लास में कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप 12th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो आपका जो भी करियर बिल्डिंग फेज़ है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिकॉज़ कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है और स्किल बेस्ड ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स को ही अच्छा करना होगा, और आपके पास अगर स्किल है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम आप क्लियर करो या नहीं करो, या एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड यू विल स्टार्ट योर स्टडीज़ फ्रॉम टुडे, एंड आई होप आपको मेरे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जो भी फील होता है आप अपनी समस्या भेजिए मुझे, आप अपने प्रॉब्लम्स भेजिए कमेंट्स के ज़रिए, मैं उनको सॉल्व करूँगा। आपको कोई वीडियो चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक चाहिए जिस पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भी आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।